तो पौधा जब छोटे अवस्था में रहता है तो उस टाइम पे बहुत सारे कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, और ये जो कीट है जब पौधा अंकुरण हो जाता है तो उस टाइम से इस कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। और ये कीट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इस कीट का जो काम है पत्ते को खाना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लाल कद्दू कीट के बारे में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, जो कि बहुत ही एक खतरनाक कीट है। पौधा जब छोटे अवस्था में रहता है तो उस टाइम पे भी अटैक करता है, और कभी कभी फल में भी ये अटैक करता है। तो लाल कद्दू कीट का प्रकोप ज़्यादातर कद्दू वर्गीय फसल में देखने को मिलता है, जैसे कि लौकी, खीरा, ककड़ी, तुरई, ये सब में ज़्यादातर अटैक करता है। तो इस कीट का प्रकोप ज़्यादातर सुबह के टाइम ही देखने को मिलता है, वैसे तो एनी टाइम मिलता है लेकिन सुबह के टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए अगर इस कीट को रुकना है तो सुबह के टाइम ही स्प्रे करना चाहिए। तो सुबह के टाइम मतलब ऐसा नहीं कि 7-8 बजे के बाद आप लोग जैसे दूसरे दवा स्प्रे करते हैं, तो उस टाइम पर अगर स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग इसको रोकने के लिए जब सूर्य उदय होता है तो उसी टाइम पे स्प्रे करने से बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको रोकने से मतलब क्या स्प्रे करेंगे तभी इसको रोक पाएंगे, तो बाज़ार में काफ़ी सारे दवाई मिलता है, जैसे कि थाइमोथोक्सम 25% WG वाला फॉर्म पे मिलता है, उसको आप लोग 15 लीटर पानी में 6 ग्राम मिला के स्प्रे करने से बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। उसके अलावा प्रोपोनोफोस 50% EC जो कि 15 लीटर पानी में 25 ml डाल के छिड़काव करने से भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल पाएगा। उसके अलावा जैसे कि क्विनालफोस मिलता है 25% EC, उसको भी 15 लीटर पानी में 25 ml डाल के छिड़काव करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और भी काफ़ी सारे दवाई आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन ये जो दवाई हमने बताया ये बहुत ही सस्ते के अंदर आ जाएगा, और आप लोगों का कीड़ा भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था लाल कद्दू कीट यानी रेड पम्पकिन बीटल के बारे में जानकारी और कंट्रोल करने का विधि। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।